हे गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने रिलेशनशिप को हॉट एंड स्पाइसी कैसे रख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लाइफ तक रहे, तो जब भी वो बात करे तो आप अपनी आवाज धीमे रखें। ये उसे थोड़ा अच्छा बोला। शट अप, बात कर रही हूं मैं। तो फिर उसके बाद जब आप उसको चाहे आप उसको स्पेस दे सकते। इतना नहा धो के किस कलमुई से मिलने जा रहे हो? एक तो ज्यादा ठंड में नहाते नहीं है, ऊपर से नहाले तो बीबियों में सक। अरे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मर जाए क्या? मैं सब समझती हूँ, ठीक है ना, ज्यादा मत बोलो। बेबी, नया साल आ गया है ना, अब ना मैं आपसे किसी भी बात पे लड़ाई नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। और अब ना हम हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। चलो देर से ही सही, तुम्हारी आंखें तो खुली। क्या मतलब, आज से पहले मुझे दिखाई नहीं देता था? सब दिखाई देता था मुझे, आपकी सारी उल्टियों लगे। और आप ना इज्जत कराने के लायक ही नहीं है। नया साल तो सोचा था प्यार से रहिए। हाँ हाँ बाबा, प्याज भी ले लिए। अच्छा रखो, घर आ रहा हूँ। भाई साहब, हाँ ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है। क्या मतलब आपका, कहाँ जाता है ये रास्ता? ये रास्ता मेरी ससुराल जाता है। अजीब अजीब आदमी, डराई दिया था बिल्कुल। तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। यार मेरे घर वाले भी इतने अमीर है ना, घर में चार चार थार है और चलाने वाला एक भी नहीं है। अबे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे घर में 5-5 मर्सिडीज है, ओडी फोडी सब कुछ है, फिर भी तेरे भाई में बिल्कुल भी घमंड नहीं है। अबे गरीबो, इतने समय खुश हो गए? वो मेरा बावर्ची है, घर का राशन लेने गया प्लेन लेके। चलो बेबी। अरे कहाँ चलो यार, ये गुस्सा कर रहा हूँ, पैर में लग गया। गांव खेड़े में शादी नहीं करना चाहिए यार। अरे बेबी यहाँ घास में घिस लो। अरे क्या घास में पैर घिसू? हो गया साहब, तो तुम्हारे गांव में कोई एंजॉय करने की चीज ही नहीं है, सारा आदमी टाइम पास कैसे करे? बेबी हमारे यहाँ पे ना कुआ है, तुम वहाँ पे चल के खूब नहाना, चलो। अरे गवारो ऐसी बात मत कर, अब क्या कुएं में नहाऊंगा मैं? अरे भैया। हाँ भैया। अरे आपके गांव में कोई एंजॉय करने की चीज है क्या? अरे भैया हमारे गांव में एक ही एंजॉय करने की चीज थी, वो भी आप शहर ले गए। सुनो। हाँ? मैं सोच रही हूँ अपनी सदर बाजार वाली प्रॉपर्टी हटा के कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दूं। यार ये छोटे मोटे डिसीजन हुआ करें तो खुद ले लिया करो, मुझसे ना पूछा करो। मेरा यही सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि आज शाम में खाने में क्या बनेगा। सुनो जी, जरा एक कप चाय ला के देना। लाई। लीजिए। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, काम करो जाके अपना। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चाय लाओ। लो। अब जाओ काम करो। सुनो। हाँ क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो जो अपना पड़ोसी है प्यारे। हाँ? उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। वो तो वैसे ही मरने वाला था। क्यों कैसे? अरे अगले महीने ही तो उसकी शादी थी। हेलो। हेलो यार, ये कंप्यूटर में फोटोज कैसे देखते हैं? बस इतनी सी बात, पहले माय कंप्यूटर पर जाओ। ओके। अब डी ड्राइव ओपन करो। ठीक है। अब देखो ऊपर क्या दिख रहा है। पंखा। भगवान। तो एक काम करो, उसी पंखे से फांसी लगा के लटक जाओ। बाय। है कहाँ रे तू, है सुना तू। शादी के कुछ साल बाद ही पता चल जाएगा कि तुम शिकारी नहीं हो, खुद एक शिकार हो। ये लो एक प्लेट और धो दो। इतनी जल्दी में क्यों हो, आराम से फेटो, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। दामाद जी देखिए, शादी तो हमें जल्दी करनी है, चट मंगनी पट ब्याह। हाँ सही कह रही हो,
जल्दी का काम शैतान का ही होता है। क्या हो गया? Maybe, वो चोर मेरा फोन लेके भाग गया। चल ढूंढते उन्हें। बता कौन है? यही लोग हैं। Oh no! तुम में से फोन किसने लिया था? मैंने लिया था बे। अकेले फोन का क्या करोगे? चार्जर भी ले लो भैया। चलो बेबी। इश्क अगर अधूरा है तो उसे अधूरा ही रहने दो। अगर पूरा हुआ तो जाड़ों में कपड़े भी धोना पड़ सकते हैं। अरे ये लो यार तुम्हारी सब्जियां यार। आज फिर कीड़े वाली सब्जी। कितनी बार कहा है सब्जी पर ध्यान दिया करो, सब्जी वाली पर नहीं। मेरा सवाल है 2500 ज्यादा होंगे कि 2500? भाई देख लो आजकल दी पढ़िया लिखिया कुड़िया 2500 ज्यादा होंगे।